तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो कि बेसिकली इसमें ये एक आसान क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ तो इसमें कहता है एक ट्रायंगुलर शेप का वायर है, एक लूप है जो कि एक ट्रायंगल के फॉर्म में है और उसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। मतलब इस वाले में 2 एम्पियर करंट इधर से ऐसे हो रही है और इसमें भी 2 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें भी 2 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब ये कहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ है वो 4√3 सेंटीमीटर है, 4√3 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्राइड, सेंट्राइड ओ ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्राइड, ये जो सेंट्राइड है ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल पूरा का पूरा एंगल कितना है, 60 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना है, 30। तो लॉजिक क्या बना, तो लॉजिक ये बना कि एक वायर का निकाल लूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तीनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवार्ड है। इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड B2 है और इस वायर का B3 है। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवार्ड है। तो और B1 + B2 + B3 को इंसिडेंट, B1 B2 B3 तीनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बराबर है तो 3 टाइम्स B1, मतलब एक का निकाल के 3 में मल्टीप्लाई, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवार्ड आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। चलो तो अगर तुम देखोगे ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, एक वायर का मैं निकालता हूँ तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। तो ये एंगल 90 है तो ये भी एंगल तो 60 होगा, तो ये एंगल 30 है। तो ये जो आर है हमें नहीं पता है, हम सबको पता है कि ये वाला फार्मूला आपको सबको पता होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड μ0I 4π r sin θ1 + sin θ2, ठीक है ना, sin θ1 से। ये फार्मूला कब लगाया जाता है, एक सिंपली एक वायर है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओ पर मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे हम निकालते हैं, ये एंगल θ1 है ये एंगल θ2 है। अभी हम लोग के सिनेरियो में θ1 बराबर है θ2 के और ये सब बराबर है 60 डिग्री के। तो अब यहाँ पर जो नेट, सबसे पहले मैं आर निकालता हूँ, तो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट मैं सी है। तो आर की वैल्यू अगर ये 30 30 डिग्री है और ये कितना है भाई, अगर ये एल है तो ये वाली साइड जो ए सी की वैल्यू है वो L/2 हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लगा देता हूँ tan 30, तो tan 30 = P/B। तो R और ये L/2 ऊपर चला गया, tan 30 मतलब 1√3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2R/L। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी L/2√3 और यहाँ से L की वैल्यू डाल दो ऊपर, 4√3/2√3। तो √3 √3 कट गया और ये 2 टाइम्स कट गया, मतलब यहाँ से 2 सेंटीमीटर आ गया। तो 2 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से तुम देखोगे तो 2 × 10⁻²⁰ m, दैट इज़ बेसिकली आर। तो ये एक आर की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर निकल गया। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पता चल गया तो अब मैं बड़े आराम से कैलकुलेशन कर लूँगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट की जो वैल्यू है वो 3 टाइम्स μ0I/4π r और यहाँ से sin 60 और +sin 60 और ये, तो ये हमारा फाइनल नेट मैग्नेटिक फील्ड है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू डाल देना है। तो 3 टाइम्स μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻²⁷ करंट यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो हो रही है और इधर 4π पहले से था, आर की वैल्यू 2 × 10³ है और यहाँ से 2 टाइम्स sin 30√3/2। तो कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करना है और यही नेट मैग्नेटिक फील्ड अपना देगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो कितना आता है, यहाँ से इस 2 ने इस 2 को, इस 4π ने इस 4π को, ये यहाँ से इस 2 ने इस 2 को काट दिया, तो ऊपर क्या बचा मेरे भाई, ऊपर बचा 3√3।
और ये ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 4, तो 3√3 10 की पावर माइनस, एक मिनट, म्यू नॉट मिली एम्पेयर में था क्या, करंट किस में था, करंट 2 एम्पेयर फ्लो राइट, 4√3 10 की पावर माइनस 2, लेंथ 2 × 10 की पावर माइनस 3, म्यू नॉट 4π × 10 की पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10, 4π यहाँ से, और 10 की पावर माइनस 7 अगर तुम देखोगे यहाँ से तो ये सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट किया 10 की पावर माइनस 2। पाइप आ रहा भाई यहाँ से, पाइप कैसे आएगा यार, 1 मिनट, 3√3 बचा और 10 की पावर माइनस 7, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ एक लिटिल बेस में ये 2 की 10 की पावर माइनस 2 होगा, तो 10 की पावर माइनस 2 होगा तो 10 की पावर माइनस 5 यहाँ से इतना टेस्ला, दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज 3√3 × 10 की पावर माइनस 5, दैट इज फोर्थ ऑप्शन अपना सही है, बाकी सारे गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।